हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम सा। आज हम आप लोगों के साथ एक व्रत रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जिसे आप किसी भी व्रत में आसानी से बनाकर खा सकते हैं। आज हम बनाएंगे रसेदार साबूदाने की सब्जी, जो एकदम से डिफरेंट होगी और आपको ज़रूर टेस्टी लगेगी। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक पैन के अंदर 2 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। व्रत की रेसिपी घी के अंदर ही बनाई जाती है या फिर मूंगफली के तेल के अंदर बनाई जाती है, आपको जो आसान लगे आप उसमें बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम 1/4 कप के लगभग मूंगफली के दाने को इसके अंदर रोस्ट कर लेंगे। गैस को लो टू मीडियम ही रखना है और जब अच्छे से क्रैक होने लग जाए तो हम गैस को बंद कर देंगे। अगर आप ये खाना पसंद नहीं करते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और इसकी मात्रा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखो, अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, ये अच्छे से क्रैक हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम उसी पैन के अंदर 1/2 कप के लगभग मखाने ऐड करेंगे और इसे भी हम लो आंच पे लगातार क्रिस्पी होने तक इसे अच्छे से भून लेंगे। इनकी मात्रा भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर इसे आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप इस सब्ज़ी में मखानों के साथ साथ आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को याद करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल बटन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देखो, मखाने भी भून चुके हैं, इसे भी हम निकाल लेंगे। अब हम सेम उसी पैन के अंदर फिर से 2 चम्मच के लगभग देसी घी ऐड करेंगे। घी हल्का सा गर्म होने के बाद में हम इसके अंदर 1 बड़े साइज़ का रफली कट किया हुआ आलू ऐड करेंगे। इसे भी हम हल्का गोल्डन होने तक इसे भून लेंगे और इसे हम कम से कम 80% जितना पका लेंगे। गैस को लो टू मीडियम ही रखना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। देखो, अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं, अब इन सभी को हम निकाल लेंगे। अब हमें कढ़ाई के अंदर फिर से हम इसके अंदर 2 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे और 1 चम्मच इसके अंदर हम जीरा ऐड करेंगे। जीरे के चटकने के बाद में इसके अंदर हम थोड़े से कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ता है तो आप उसी का यूज़ करें। अब इसे भी हम एक बार अच्छे से चला लेंगे। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच के लगभग ग्रेट की हुई अदरक ऐड करेंगे। इसकी मात्रा भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने 2 से 3 बारीक कट की हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि व्रत की रेसिपी में लाल मिर्च पाउडर नहीं डालते ज़्यादातर। अब इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। अगर आप हमारे चैनल की और भी व्रत रेसिपी या फिर राजस्थानी रेसिपी देखना चाहते हैं तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करें या फिर आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अब हमने घी के अंदर हरी मिर्च को अच्छे से भून लिया है। अब इसके अंदर हम आलू को ऐड कर देंगे और एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप आलू को इस तरह से साथ में भी भून सकते हैं, अगर आप अलग से इसे नहीं भून कर तैयार करना चाहते तो। और देखो, हमारे साबूदाने भी अच्छे से भीग कर तैयार हो चुके हैं। हमने यहाँ 1/4 कप साबूदाने लिए थे, जिसको 2 बार साफ पानी से धोकर इसको 1 घंटे के लिए हमने भीगने के लिए रख दिया था। ध्यान रहे, साबूदाने के अंदर भिगोते टाइम उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं डाला जाता, बस साबूदाने को डुबोने के बाद भी थोड़ा सा पानी ऊपर रहना चाहिए, जिससे आपके साबूदाने अच्छे से फूल कर तैयार होंगे। अब हमने साबूदाने को इसके अंदर डाल दिया है और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है, ताकि हम आपके साथ इसी तरीके से नई नई और डिफरेंट रेसिपी शेयर कर पाएँ। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और थोड़ी देर पकाने के बाद में इसके अंदर हम टमाटर को ऐड कर देंगे। हमने यहाँ 1 बड़े साइज़ के रफली कट किए हुए टमाटर को डाला है। इसकी मात्रा भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसके अंदर अपनी पसंद की वेजेस भी डाल सकते हैं। अब हम टमाटर को भी थोड़ा सा पका लेंगे। आप टमाटर की प्यूरी बनाकर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। टमाटर थोड़े से पक जाने के बाद में इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। हम यहाँ रसेदार सब्जी बना रहे हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ कम से कम 2 से 2.5 कप जितना पानी ऐड किया है। अगर आप सूखी सब्जी बनाना चाहते हैं तो कम मात्रा में पानी ऐड करें। पानी डालने के बाद में एक बार इसे अच्छे से चला लेंगे। अगर आप साबूदाने की सूखी खिचड़ी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करें या फिर आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अब इसके अंदर हम थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच के लगभग इसके अंदर हमने काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है और 1 चम्मच के लगभग व्रत वाला नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और एक बार फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसके अंदर अपनी पसंद के हिसाब से मसाले ऐड कर सकते हैं, जो आपके यहाँ व्रत में खाए जाते हैं, और उनकी मात्रा भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये हमने यहाँ 1/2 चम्मच के लगभग लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। ये घर पे पीसी हुई है, इसलिए हमने इसको डाला है। आप मार्केट वाली लाल मिर्च का यूज़ ना करें, या फिर इसकी जगह आप सूखी लाल मिर्च को भी क्रश करके डाल सकते हैं।
अब इसे हम ढक कर थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। जैसे जैसे पकेगी ये अच्छे से गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। जिस हिसाब से आपको इसकी थिकनेस चाहिए उस हिसाब से आप इसे पका सकते हैं। बीच बीच में इसे एक से दो बार जरूर चला लें और इसे फिर से ढककर हम पका लेंगे। ध्यान रहे झोलदार सब्जी को ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि हल्की सी ठंडी होने के बाद में ही अपने आप थोड़ी सी थिक हो जाएगी। देखो ये अच्छे से थिक होना शुरू हो चुकी है। अब हम इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे और अब इसके अंदर हमने एक चम्मच के लगभग अमचूर पाउडर ऐड किया है, ये घर पर पिसा हुआ है, और एक चम्मच के लगभग हमने यहाँ जीरा पाउडर ऐड किया है। इनकी मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अमचूर की जगह आप नींबू का यूज़ भी कर सकते हैं। और साथ ही इसके अंदर हम मखाने और मूंगफली के दानों को भी ऐड कर देंगे। मखाने हमने बाद में इसलिए डाले हैं ताकि वो खाते टाइम क्रंची रहे। अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लो जी, हमारी व्रत स्पेशल साबूदाने की रसेदार सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, जो बनाने में एकदम से आसान है और खाने में आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ अगली बार। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें और मेरी तरफ से राम राम सा।